नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा जिला केशवपुरम में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे केशवपुरम C4RWA के प्रेसिडेंट हैं रवि मल्होत्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार सबसे पहले मेरा जी। अच्छा रवि जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आने वाला जो समय आ रहा है हर साल की तरह, जैसे 15 अगस्त लोग मनाते हैं, तो आने वाले समय में आपने कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हैं आप 15 अगस्त में? सर पहले मैं बताता हूँ आपको, मैं C4RWA केशवपुरम का प्रेसिडेंट हूँ और श्री शिवरी मंदिर धार्मिक रामला कमेटी दिहारा कमेटी का भी प्रेसिडेंट हूँ और त्रिनगर रामला कमेटी का संरक्षक। वह RWA का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इस साल भी 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण का प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी कम से कम 50 सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ, लायंस क्लब इंटरनेशनल 321A3 और लायंस क्लब दिल्ली दिवाली मेरे क्लब का नाम है, जिसके माध्यम से मैं बहुत सारी सामाजिक सेवाएँ करता रहता हूँ। कल भी एक C8 वाटर टैंक केशवपुर में मेरा एक भंडारा है दोपहर को, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो बच्चों के भले के लिए, अभी एक प्रोग्राम था जनकपुरी में लास्ट वीक, खोज एक नए फनकार की, मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया, लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी अति प्रसन्नता हुई कि वहां पर एक जो मेन चीफ गेस्ट थे मुकेश अनंत जी, जिनके बहुत ही पुराने गाने बहुत प्रचलित हुए और वो इस समय बेचारे 90+ एज में भी व्हीलचेयर पे उस प्रोग्राम में आए और मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा, मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। इसके अलावा लायंस क्लब में हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। अभी 5 सितंबर को हम एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 11 टीचर को सम्मानित कर रहे हैं और कुछ 200-300 बच्चों को सिपर से नवाजा किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कम से कम 10 स्कूलों में 200 सिपर हर एक स्कूल में बच्चों को बांटे जा रहे हैं। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारा लायंस का एक सेवा करे सप्ताह है, जिसमें ये काम करे जा रहे हैं। अच्छा, जो आप इतनी सेवा कर रहे थे, शुरुआती दौर आपकी वैसे शुरू कहाँ से हुई थी? सर ये मुझे अपने परिवार से ही ये सेवा करने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई साहब भी बहुत अच्छे समाज से भी, वह कांग्रेस के नेता थे और B2 ब्लॉक केशवपुरम के RWA के प्रेसिडेंट भी थे वो, और उसके अलावा वजीरपुर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के थे। अभी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनके नाम पे एक रोड का नाम श्री OP मल्होत्रा मार्ग योगेश जी की सेवाओं से करवाया गया। सर मौजूदा पार्षद आपके योगेश वर्मा जी हैं, अगर उनके कामों को लेकर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है जैसे वार्ड में? सर ठीक, सर हमारे काम में अच्छे काम कर रहे हैं वो भी, और MLA राजेश गुप्ता जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी सोशल वर्कर भी हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। जैसे आप सर रामलीला कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, जिसके आप संरक्षक भी हैं सर, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए। सर त्रिनगर में जिस रामलीला कमेटी से मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे बड़े लेवल की रामलीला है वो, वहाँ रामलीला होती है और 10 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पर। और उसके अलावा मेरा केशवपुरम में मैं दशहरा करवाता हूँ, उसमें भी कम से कम 10,000 लोग मिनिमम आते हैं। ये लोगों का प्यार सहयोग मेरे से ये काम करवाता है। जो आप जो सेवा भाव कर रहे हैं सर, आप ये किसी संस्था द्वारा कर रहे हैं या मतलब फाइनेंशियली आप ही सपोर्ट करते हैं सब चीज़ को? सर मैं अपने साथियों से सिर्फ उनकी मन से सहयोग लेता हूँ और फाइनेंशियली मैं किसी का सहयोग नहीं लेना चाहता। पॉलिटिकली आपका कोई बैकग्राउंड है? सर मैं कांग्रेस से काफ़ी पुराना जुड़ा हूँ, लेकिन अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ना होने से मैं थोड़ा कम रुचि ले रहा हूँ। तो सर ये जान लेते हैं, आप जैसे काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और आज का महंगाई का दौर भी सर, लगातार महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो आज का समय कैसा देख रहे हैं महंगाई को लेकर? सर महंगाई तो काफ़ी टाइम से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी खर्ची से जो भी निकाल सकता हूँ उस समाज सेवा में लगाना चाहता हूँ। मैं औरों को भी यही राय दूंगा कि आप जो भी हो सके, जितना हो सके, कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहें, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है और दूसरों के लिए जीना सीखे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो चीफ गेस्ट के तौर पे भी आपको सर सम्मानित किया जाता है, आप जैसे काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं? जैसे जी काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, एज ए चीफ गेस्ट, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर,
या वैसे भी बुलाया जाता है मुझे। माय बिजनेस फैमिली अशोकवेयर का भी मैं बहुत अच्छा मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, और कोई छोटी सी कोई जनता में कोई मैसेज, कोई अपील कोई देना चाहते हैं आप? बस मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि प्यार से जिए, मिलजुल के जिए, और जितना हो सके बेजबान पंछियों जानवरों के लिए सेवा करते रहें। आपका सर दिनचर्या की जैसे शुरुआत कहाँ से शुरू होती, कहते होते सर? सुबह भगवान के नाम से दिनचर्या शुरू होती है और शाम को भगवान के नाम से ही ख़त्म होती है। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं सर? वैसे सर मैं एक छोटा सा, मेरा यूनिट है वजीरपुर इंडस्ट्री में, जिम शेकर और सिपर बनाते हूँ, तो उसमें सारा दिन मेरा निकल जाता है। तो ये हमारी सीधी बात रवि मल्होत्रा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।